जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार या हाई कोर्ट, किसने दिया धोखा? ओबीसी समाज को 27% आरक्षण की जगह मात्र 14% से संतुष्ट करना पड़ा, क्या सभी भर्तियों में रहेगा? जानिए पूरी जानकारी, इस पर हम पूरी करने वाले हैं विस्तार से चर्चा। तो सबसे पहले तो जो न्यू है वो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन, यहाँ शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश जितनी भी एग्ज़ाम है या अदर स्टेट की बात करी जाए या केंद्र सरकार की, सभी की तैयारी कराई जाती है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन, यहाँ 100% सटीक जानकारी दी जाती है। तो चलिए पहले तो न्यूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना विश्लेषण भी देंगे आपको। देखो, हाई कोर्ट के आदेश पर 3 परीक्षाओं में घटाया आरक्षण, कर्मचारी चयन मंडल में 27% से 14% रह गया ओबीसी आरक्षण। कोर्ट के डिसीजन पर 13% पदों पर नियुक्ति। अब देखो किस किस में घटाया इन्होंने, अभियंत्री, मानचित्रकार और समयपाल एवं समकक्ष पदों की परीक्षा हुई थी, जिसमें क्या होगा, कोर्ट ने 27% दिया गया था पहले, उसको घटाकर 13% कर दिया गया है। ठीक है, अभी इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तो ये तुम्हारी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है कि भाई देखो, जो 27% दिया था उसको हटा के 14% से आप ऊपर नहीं कर सकते। अब बात उठती है, क्या 14% सभी भर्तियों में? तो देखो मैं आपको बताऊं, जिस भर्ती में मध्य प्रदेश में ज़्यादातर याचिका लगाई गई है वहाँ कोर्ट ने 14% ही रखा है। अब जिस भर्ती में याचिका लग जाएगी वहाँ आपको 14% मिलेगा। अब इसमें देखो नुकसान है या फायदा है ओबीसी वर्ग का? तो देखो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो सीधी सी बात है, ओबीसी वर्ग को घाटा है, बाकी के कैटेगरी को थोड़ा कह सकते हैं कि प्रॉफिट है। अब ये स्टेटस देखो, हो सकता है कि इसमें सरकार की तरफ से कुछ गड़बड़ी हो, क्योंकि भाई आप अगर अच्छे से एविडेंस देंगे तो कोर्ट आपकी बात मानेगा कि आप किस आधार पर, पहले तो आपको 27% कहा है, अगर मांग रखी है तो भैया किस आधार पर रखी आपने? हमारे ओबीसी वर्ग के भाइयों को क्या दिक्कत है? उस दिक्कत को अगर आपने रखा है तो उसको बढ़िया सटीकता के साथ सरकार के पास रखते, एक तो पहलू ये बनता है। दूसरा पहलू कि भाई देखो हमारा कोर्ट कहता है कि आप 50% से ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, तो भाई ये दोनों ही पहलू हैं। अगर आपने रखा है, जैसे कि महाराष्ट्र में ज़्यादा है तो वहाँ उन्होंने रखा तो भैया उन्होंने स्ट्रॉन्ग एविडेंस लगाए गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओबीसी आरक्षण है, मेरे हिसाब से अगर ऐसा ही चलता रहा तो 14% पर ही आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जितनी भी मेरे हिसाब से मुझे जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। आगे की जो भर्तियों में क्या रहेगा तो वो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, आपका अपना चैनल सिद्धार्थ सर। थैंक यू।